वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज पर। दोस्तों, जो अनाउंसमेंट आज होने वाली थी अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म या फिर कहें हिंदी डब फिल्म यानी कि अला वैकुंठा पुरमलो के हिंदी डब वर्जन से वो अनाउंसमेंट जो है हो चुकी है। अब तक तो शायद आप सभी को पता चल ही गया होगा कि अला वैकुंठा पुरमलो का हिंदी डब वर्जन जो 26 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाला था उसे कैंसिल करवाने के बाद अब ये फिल्म जो है आपको जो है टीवी पर देखने को मिलने वाली है। इस फिल्म को 6 फरवरी को जो है रात 8 बजे गोल्ड माइंस के ही अपने टीवी चैनल यानी कि ढिंचैक पर टेलीकास्ट करवाया जाएगा और उसके बाद ये फिल्म जो है आपको YouTube पर तो देखने को नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, मनीषा जी ने इस फिल्म की हिंदी डबिंग से जुड़े हुए काफी सारी चीजों का खुलासा किया है। एक वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने काफी सारी चीजों का खुलासा किया है, जिनमें से सबसे पहली चीज जो उन्होंने कही है वो ये है कि उन्होंने इस फिल्म की डबिंग के ऊपर काफी अच्छा खासा खर्चा किया है। दूसरी चीज उन्होंने जो बताई है वो ये है कि यहां पर आपको फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के अंदर कोई भी रीजनल रेफरेंस जो है देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, उन्होंने एक सीन का पूरी तरह से एग्जांपल देते हुए स्पेसिफाई करते हुए चीजों को बताया है कि कोई भी रीजनल रेफरेंस आपको हिंदी डब वर्जन के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। जहां पर उन्होंने कहा है कि फिल्म के अंदर जो एक बोर्ड रूम सीन आता है जहां पर आपको तेलुगु गाने सुनने को मिलते हैं, हमने वहां पर सारे गानों को चेंज कर दिया है, सारे गानों की जगहों पर आपको हिंदी गाने सुनने को मिलने वाले हैं। अब क्योंकि ये फिल्म पहले थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी और थिएटर्स में आती है तो गोल्ड माइंस जो है गानों को डब करवाता है, पर पहले जो गाने डब होते थे वो उनकी क्वालिटी जो थी बहुत ही खराब थी। पर इस बार मनीषा जी ने कहा है कि हमने सारे के सारे गानों को प्रोफेशनल टीम के साथ मिलकर यहां पर री रिकॉर्ड किया है और अधिकतर गाने जो हैं उन्हीं सिंगर्स के द्वारा गवाए गए हैं जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन गाए थे। इसी के साथ जोड़ते हुए उन्होंने ये कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये फिल्म जो है लक्ष्मी का जो टीआरपी रिकॉर्ड है उसे तोड़ने में कामयाब रहेगी और इस फिल्म का जो टीआरपी रिकॉर्ड बनेगा उसे पुष्पा द राइस का जो टीआरपी रिकॉर्ड है वो तोड़ने वाला है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि मेरी जितनी भी फिल्में होने वाली हैं, बड़ी बड़ी फिल्में होने वाली हैं, उनमें से किसी भी फिल्म को मैं जो है अब YouTube पर डायरेक्ट रिलीज नहीं करवाऊंगा। मेरी सारी फिल्में पहले टीवी पर आएगी और उसके काफी समय के बाद जाकर वो फिल्में जो है YouTube पर आएगी ऑफिशियली। तो अब इसका मतलब यही है कि अला वैकुंठा पुरमलो का जो हिंदी डब वर्जन है वो टीवी पर तो टेलीकास्ट हो जाएगा पर गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर आपको शायद उतनी जल्दी देखने को ना मिले। तो ये सब चीजें तो है जो उन्होंने कही है तो अच्छी बात है, गाने वगैरह डब हो रहे हैं, देखते हैं कैसे प्रोडक्ट सामने निकल के आता है। संकेत मात्री की जो डबिंग वगैरह है ट्रेलर के अंदर काफी अच्छी, प्रोमो के अंदर काफी अच्छी लग रही है। दूसरी तरफ बात करें एक और चीज की तो एक लॉजिक मुझे कुछ कहीं पर समझ नहीं आया कि इस फिल्म के थिएटरिकल रिलीज को रोक दिया गया, थिएटर में रिलीज होती तो सब लोग देख लेते, अब क्या टीवी पर रिलीज होगी तो सब लोग नहीं देख पाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब तो क्वालिटी और अच्छी आएगी सबके पास, सबके हाथों में आएगी, तो देखते हैं ये लॉजिक कितने हद तक काम करता है। वैसे तो मुझे लगता है कि टीवी पर भी ये फिल्म उस फिल्म का उतना ही नुकसान करती जितना थिएटर में आके कर रही है या फिर शायद थोड़ा और ज्यादा नुकसान करेगी। तो देखते हैं इस फिल्म को टीवी पर कैसा रिस्पांस मिलता है। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ढिंचैक पर मैंने जितनी भी अब तक फिल्में देखी हैं हिंदी डब फिल्में जो यूट्यूब पर नहीं आई थी डायरेक्ट टीवी पर आई थी, तो उनमें से मैंने काफी फिल्मों में नोटिस किया है कि जो क्वालिटी होती है पिक्चर क्वालिटी जो होती है वो थोड़ी सी डल रहती है। हो सकता है कि डिवाइस टू डिवाइस वेरी करे, पर मैंने जितना नोटिस किया है मुझे जो पिक्चर क्वालिटी है वो उतनी ज्यादा कमाल की नजर नहीं आती है। अब देखते हैं इस फिल्म के साथ क्या होता है। वैसे इस डिसीजन को लेकर, इस रिलीज डेट को लेकर आपके क्या ओपिनियन बनते हैं, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, से तक आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।